पृथ्वी में दिन प्रतिदिन पानी की किल्लत होती जा रही है। जहां एक ओर सरकारें पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही हैं, वहीं अंबेडकर नगर में सरकारी मशीनरी ही प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। यहां के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन आज तक नहीं हो सका है। राजकीय मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले गंदे पानी को फिल्टर करने के लिए इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन लाखों रुपए की लागत से बना यह प्लांट आज तक चालू नहीं हो सका, जिससे मेडिकल कॉलेज का निकलने वाला गंदा पानी आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैला रहा है। इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के न चलने के बारे में जब हमने राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास किया तो दोनों ने ही कैमरे पर कुछ कहने से इनकार करते हुए एक दूसरे पर जवाबदेही तय करने लगे। हकीकत जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस प्लांट के न चलने के कारण मेडिकल कॉलेज से निकलने वाला गंदा पानी आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण फैला रहा है। अनुराग चौधरी, ईटीवी भारत, अंबेडकर नगर।